हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज गॉल्जी बॉडी. ओके, सो गॉल्जी बॉडी, हैव अ लुक ऑफ गॉल्जी बॉडी फर्स्ट. दिस इज गॉल्जी बॉडी एंड दिस इज सिस्टर्नी एंड दिस इज ल्यूमन सिक्रेटरी वेसाइकल्स. ओके, विल एक्सप्लेन दिस. सिस फेस क्या है, ट्रांस फेस, वॉट इज ट्रांस फेस, वॉट इज सिस फेस, बट हैव अ लिटल स्ट्रक्चर, इट शुड बी ऑन योर माइंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. गॉल्जी बॉडी और यू कैन से डेल्टॉन कॉम्प्लेक्स. वाई डेल्टॉन कॉम्प्लेक्स? ऑब्वियसली डेल्टा स्ट्रक्चर वॉज गिवन बाय डेल्टॉन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लाइपोकॉन्ड्रिया. So what is the function of Golgi body? It is mainly help in the secretion. Okay, जितनी भी glandular cells होते हैं depends upon Golgi complex. जितनी भी glandular cells होते हैं Golgi complex पे depend रहते हैं for packaging their products. Okay, we'll discuss. Okay, first morphological structure. Let me keep this. Morphological structure was given by Camillo. Camillo. Golgi where in nerve cells of cat. Cat and barn owl. Ultrastructure. It was given by Dalton. Okay, and one more thing, the size हाँ, तो साइज इट इज बिगर इन सिक्रेटरी सेल्स. जो सेल जिनका सिक्रेटरी फंक्शंस होगा तो इन दैट केस द साइज भी बिगर. एज आई इन स्टार्टिंग आई हैव टोल्ड द फंक्शन इज सिक्रीशन. ओके, सिक्रीशन फंक्शन होता है तो साइज बिगर इन सिक्रेटरी सेल्स. सिक्रेटरी सेल्स एग्जाम्पल लीवर, पैंक्रियाटिक सेल. So they all depends upon Golgi bodies for packaging their products and for concentrating. Okay, and it will be smaller in non-secretory cells. Example muscles. Muscles is non secretory cells, no? And one more thing, in a plant it is known as dictyosomes. प्लांट सेल्स में गोल्जी एपरेटस को हम लोग डिक्टियोजोम्स बोलते हैं. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. इन प्लांट सेल्स
गॉल्जी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ आइन आइसोलेटेड यूनिट्स कॉल डिक्टियोसोम्स। तो प्लांट सेल्स में गोल्जी एपरेटस कैसे रहता है? इन आइसोलेटेड यूनिट्स इज कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। कंप्लीट दिस सेंटेंस। व्हाइल इन एनिमल सेल इट occurs as single compact called as Golgi apparatus. और यू कैन से गॉल्जी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो अभी हम पढ़ा देंगे तुम लोगों को। ओके विल एक्सप्लेन दिस स्ट्रक्चर। सो फाइनली वी कैन से प्लांट सेल में क्या रहता है? स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है। रिमेंबर इन प्लांट सेल इट इज स्कैटर्ड। ओके एंड इन एन एनिमल सेल दे आर टाइटली स्टैक होते हैं। सो इन एन ईजी वर्ड वी विल राइट in a plant cell it is scattered while in an animal cell they are tightly stacked together. So this is the region. Now number of Golgi body. In animal cell it is 1, plant cell it varies but it can be 6 to 12. Okay, lower algae it is 1. Position, so vertebrates mein, in vertebrates so Golgi apparatus it is close to nucleus. We can write perinuclear. Perinuclear means close to nucleus. And in invertebrates, and you can say also plants. Scattered in cytoplasm. Okay. Now come to zone of exclusion.
डिक्टियोजोम्स किस में बोला जाता है? प्लांट में, बिकॉज दे आर आइसोलेटेड एंड इट इज ऑल्सो स्कैटर्ड. एनिमल सेल में वन, प्लांट में वेरीज, लोअर एल्गी में वन. ओके, एंड इन वर्टिब्रेट्स हम लोग हुए, इट इज क्लोज टू न्यूक्लियस. गॉल्जी बॉडीज को एंड इन वर्टिब्रेट स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म. जोन ऑफ एक्सक्लूजन मीन्स क्या होता है? जोन ऑफ एक्सक्लूजन मीन्स वी कैन से क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया अराउंड गॉल्जी बॉडीज. ओके, इट मीन्स क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया अराउंड गॉल्जी बॉडीज. इट इज जोन ऑफ एक्सक्लूजन. ओके, इट इज सराउंडेड बाय एन ऑर्गेनेल फ्री साइटोप्लाज्म कॉल जोन ऑफ एक्सक्लूजन और गॉल्जी ग्राउंड सब्सटेंस भी बोला जाता है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गॉल्जी ग्राउंड सब्सटेंस. इट इज सराउंडेड बाय एन ऑर्गेनेल फ्री साइटोप्लाज्म, और यू कैन से ऑर्गेनेल फ्री साइटोप्लाज्म. ऑर्गेनेल फ्री ऑर्गेनेल फ्री साइटोप्लाज्म. तो जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्लियर साइटोप्लाज्मिक एरिया अराउंड, मतलब नो ऑर्गेनेल ऑर्गेनेल फ्री होते हैं गॉल्जी के अराउंड. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, शेप. सो इट इज प्लियोमॉर्फिक. प्लियोमॉर्फिक मीन शेप चेंजेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन. अकॉर्डिंग टू फंक्शन दे चेंज देयर शेप. और कितने सिस्टर्ने होते हैं? टोटल 4 to 8 सिस्टर्ने होते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द गॉल्जी. डिक्टियोसोम्स के बारे में और बता सकते हैं? फ्लैट, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड कैविटी. ओके, डिक्टियोसोम्स में भी प्रोटीन्स जो रहते हैं स्टोर होते हैं एंड दे आर मॉडिफाइड एंड दे आर पैक्ड इनटू वेसिकल्स फॉर फर्दर ट्रांसपोर्ट.